जिला रजौरी के डूंगी ब्लॉक में सरपंच अंजना शर्मा ने प्रेस वार्ता को खिताब किया, जिसका विषय ब्लॉक डूंगी में आए केवी स्कूल को लेकर था। अंजना शर्मा ने बताया कि केवी स्कूल जिस जगह पर बना हुआ है वो बिल्कुल बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। उस जगह की हवाई रेंज मात्र 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ बैकर भी बने हुए हैं। बॉर्डर पर आए दिन फायरिंग होती है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहाँ कोई भी आम सुविधा प्राप्त नहीं है, ना ही पानी, ना ही रोड, ना कोई सुविधा। और जिस जगह पर स्कूल बनाया जा रहा है और वो सेंटर प्लेस के बाहर है, उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है इस तरफ ध्यान दिया जाए। इस मौके पर आम लोगों का भी उनको साथ मिला। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। जी मैम, बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मोटिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अंजना शर्मा, सरपंच अग्राती नॉर्थ, ब्लॉक डूंगी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हाईली थैंकफुल टू केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू, जहाँ पे जो हमारा ये केवी सेंक्शनड हुआ है। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हाईली थैंकफुल हूँ कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो आज के बच्चे हैं, आज के जो यंग जनरेशन है, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो सबसे पहले तो आई वुड हाईली थैंकफुल टू द होल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद इनका केंद्रीय विद्यालय संगठन। बट यहाँ पे मेरे कुछ इश्यूज हैं इसी से रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, जो यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारा ये केंद्रीय विद्यालय, ये धड़ा संभला सेक्शन हुआ है। धड़ा संभला हमने दो जगह सेलेक्ट की थी, एक पहले जहाँ पे की थी वो रिजेक्ट, मुझे नहीं पता किन कारणों से हुई है। बट सेकेंडली जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की है तो उस पर भी ये है कि वहाँ पे जो है हैवी शेलिंग्स होती है, हवाई रेंज भी 1 किलोमीटर है वहाँ से और बॉर्डर एरिया से, और टोटली जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है। ना कोई वहाँ पे PHC फैसिलिटी है, ना इंटरनेट फैसिलिटी है, नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कोई बैंक की कोई सुविधा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे केवी सेंक्शन हुआ है। बट मैं ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये यहाँ पे एक अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि हम वहाँ पे विजिट करने गए थे, हम सर के साथ खुद मिले वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन, हमने वहाँ से उनसे बैठ के बात की, उन्होंने हमें बोला कि ठीक है मैम, जो आपके इश्यूज हैं हम वहाँ पे जब सेकेंडली विजिट करने आएंगे तो वहाँ पे आपने ये करना है कि ये जो सारे इश्यूज हैं वहाँ पे हमारे सामने रखने हैं। तो ये जो जगह सेलेक्ट करनी होती है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो मेरा जो सीधा निवेदन है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप अगर यहाँ पे विजिट करने आए हो तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी। अगर उन्होंने हमें PRS को चुना है, अगर उन्होंने हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें एक बार वो इन्फॉर्म करते, ताकि हम जाते, हम खुद वहाँ देखते, जो हमें भी जगह सूटेबल लगती, जो अगर उनको अच्छी लगी है तो वेल एंड गुड, अगर हम अपनी जगह कोई बताते उनको तो उस पर भी वो थोड़ा फोकस करते। तो मेरी यहाँ से एक ही अपील है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि दोबारा यहाँ पे वो जो पूरा डेपुटेशन उन्होंने बुलाया था केंद्रीय विद्यालय संगठन को, उनको फिर से बुलाया जाए और जो जगह सूटेबल है, दैट इज मतलब हमने बच्चों को देखना है। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई मुरादपुर जा रहा है, कोई रिजौरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, परिवार से दूर है बच्चा। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है तो कोई ऐसी जगह सेलेक्ट की जाए जो सेंटर प्लेस हो। ठीक है मैम, आप केंद्रीय विद्यालय के जो DC है जम्मू में, उनसे भी आप मिलने के लिए गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हम जब वहाँ पे गए, सर ने हमें बोला ठीक है, हमने बोले थे कि हम इस चीज को कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं देख रहे, हम चाहते हैं कि अगर जो जगह बताइए। माई सेल्फ राजीव कुमार, ब्लॉक डूंगी, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ, जो आपने KV के लिए जो जगह सेलेक्ट की है, बेसिकली वो बाय एयर 1 किलोमीटर रेंज में आती है एयर बॉर्डर एरिया से, जो कि यहाँ आए दिन शेलिंग होती है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में जाना पड़ता है। सर कौन सी जगह सेलेक्ट की है, क्या नाम है? धड़ा सांभला हमने सेलेक्ट किया और यहाँ के आम पब्लिक से बिल्कुल भी नहीं पूछा गया कि कहाँ पर हम जगह सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, और वो ब्लॉक डूंगी के सेंटर प्लेस में बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ, आप एक बार फिर से आए, विजिट करें यहाँ पर और सूटेबल जगह देखें, जहाँ पर बच्चों की सेफ्टी हो, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज हो, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हो, जहाँ पर ऑलराउंड देखा जाए। उसके बाद जो जगह आप सिलेक्ट करेंगे सेंटर प्लेस देखकर, कि पब्लिक को मैक्सिमम बेनिफिट हो। आप वहाँ पर बॉर्डर पर एक जगह सिलेक्ट करके चले गए, किसी को कुछ पता भी नहीं है, वहाँ पर आप बना भी लेंगे, इनकेस कल को वहाँ शेलिंग होती है तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और यहाँ के लोग बिल्कुल भी अपने बच्चे उस जगह पर भेजना पसंद नहीं करेंगे। उससे तो अच्छा है कि लोग रजौरी और मुरादपुर में भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उनको जगह पास पड़ती है। राजन जी, कितनी पंचायतें आती हैं इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में 18 पंचायतें आती हैं। तो 18 पंचायतों का वो जो धड़ा सांभला पंचायत है वो बॉर्डर पर आती है, एक लास्ट कोने पर जाकर उन्होंने जगह सेलेक्ट की है,
और जो कि बिल्कुल भी एक सूटेबल प्लेस नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। और जो मैं ये थैंकफुल हूँ सेंटर का जो हमने केवी सेंक्शन किया बिलाडूंगी के लिए, लेकिन मैं उनसे एक ये अपील भी करना चाहता हूँ कि ये जो आपने जगह सेलेक्ट की है उसको आप दोबारा रिविजिट करें और इस जगह को देखें, आप खुद देखें कि ये वहाँ से कितने क्या है क्या नहीं है। आप एक सेंटर प्लेस सेलेक्ट करें जो पब्लिक को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डीसी केवी से भी कि आप दोबारा से एक बार रिविजिट करें, लोगों को इन्फॉर्म करें और सबको साथ लेकर एक सूटेबल जगह देखें सेंटर प्लेस जो सबको बेनिफिट जिसका मिले। बता रहे हो ठीक है, अगर उस पर इशू बन रहे हैं जो धड़ा संभला है, अगर उस पर इशू है तो मैम हम दोबारा विजिट करने आएंगे जो जगह आप बता रहे हो, एक बार हम वो भी देख लेंगे। लेकिन उन्होंने सेकंडली विजिट की है लेकिन हमें कोई इस चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन को उनका जो रेपुटेशन है जो जब पहले यहाँ पे आए थे उनको दोबारा से यहाँ लाया जाए, दोबारा से उनकी विजिट कराई जाए, जो जगह सुइटेबल है वो जगह वो देखे जहाँ पे ऑल अराउंड फैसिलिटीज हो वो जगह यहाँ पे वो देखे, उसके बाद ही जो उनका डिसीजन होगा वो हम कर लेंगे। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जो जो